ये हमारी मोहतरमा फातिमा जी के भाई। वहाँ पे हाथ नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कहानी कुछ यूँ है कि कल रात हम बैठे हुए थे, आपस में गपशप कर रहे थे, एंड फैजान सेड कि क्यों ना नूरी वाटरफॉल चले, बड़ी प्यारी जगह है और इस्लामाबाद के करीब भी है। सो वी सेड व्हाई नॉट, बिस्मिल्लाह, तो चले चलते हैं नूरी वाटरफॉल की तरफ। वही सीन कुछ ऐसा है कि जब भी आप पाकिस्तान में किसी भी सियाहती मुकाम पे चले जाते हैं तो मोस्टली आपको क्या मिलता है, जो भी चीज़ आपको मिलती है वो मोस्टली गैर मायारी होती है और अक्सर महंगी भी होती है। सो हम रुक गए हैं रास्ते में ताकि खाने पीने के लिए कुछ ले सकें, तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है। ये हमारी मोहतरमा फातिमा जी के भाई फातिमा जिना के भाई हैं और ये जो है अभी कुर्बान होने वाले हैं, जिस तरह ईद जानवर कुर्बान होते हैं, अभी हम फ्रूट लेके कुर्बान कर रहे हैं सर। तो ये देखें, ये मैं असली नोट दे रहा हूँ तो फाइनली हुदा हुदा करके हम पहुंच गए हैं और बाइक हमने पार्क कर ली है यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटी सी पार्किंग है, अब यहाँ पे अपने बाइक्स और गाड़ियाँ वगैरह पार्क कर सकते हैं। और यू कैन सी इन माय बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट्स वगैरह भी अवेलेबल है। सो अब चलते हैं फाइनली नूरी वाटरफॉल। बाइक्स की कहानी यहाँ तक थी, अब इससे आगे हम जाएंगे पैदल। आगे जाके पैदल आपको दिखाते हैं कि आप सार यहाँ से कितनी दूर है। हम खुद फर्स्ट टाइम आए हैं और बड़ा मुश्किल से सफ़र किया इस्लामाबाद से यहाँ तक बाइक पे। आई गेस दो ढाई घंटे लगे हैं। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जो भी व्लॉग्स वगैरह हमने देखे थे वो सारे भी व्लॉगर्स तकरीबन कह रहे थे कि एक डेढ़ घंटा का रास्ता है, उनका बिल्कुल नहीं सुनना, तकरीबन तीन घंटे लगेंगे। शायद वो हो सकता है कि उन्होंने अपने हिसाब से बताया वो जहाँ से आ रहे हों, बट हम चूँकि इस्लामाबाद से आए हैं, इस्लामाबाद से एग्जैक्ट नूरी वाटरफॉल की पार्किंग तक जो हमें टाइम लगा वो तीन घंटे का लगा है। तो अगर आपने आना है तो अर्ली निकले, बेस्ट टाइमली पहुंच जाएंगे, तो बेशक अगर टाइम ज़्यादा निकालना हो या इधर गुजारना हो तो आप इजीली एंजॉय करके फोर पी एम सकते हैं। 4 PM और हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, इंजॉय करेंगे थोड़ा सा वहाँ पे घंटा दो घंटे, और जब वापसी पे आएंगे तो कुछ मनाजिर आपको वहाँ के भी दिखाते हैं। सी यू देयर। तो भाई अब तक तो हम आबशार को ढूंढ ही रहे हैं, यहाँ पे आपको चश्मे नज़र आएंगे और ज़्यादातर लोग उसमें नहा भी रहे हैं, बट तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं कि हम बाय फुट जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं नूरी आबशार की तरफ, लेकिन अभी तक हमें नूरी आबशार के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि कब तक मिलता है हमें नूरी आबशार। फाइनली वी आर एट नूरी और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी की हमारी एक्साइटमेंट थी, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि यहाँ पे प्यारा सा कोई सीन होगा, तो बेशक सीन्स तो प्यारे हैं लेकिन आवाम बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी इन माय बैकग्राउंड और बहुत नहीं बहुत 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 ज़्यादा है। सो जब यहाँ पे आए तो कोशिश करें कि आप अर्ली आ जाए, जितना अर्ली आ पाएंगे उतना रश कम होगा और नाव में आपको नूरी का नज़ारा दिखाता हूँ।
तैराकी आसानी से की है, वहाँ पे हाथ नहीं लग रहा था। अच्छा तो फिर क्या हुआ भाई, तो फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ, हाँ डूबते डूबते बचे। अच्छा तो आप यहाँ से जाके कोई खैरात वगैरह करोगे? नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं बचे। भाई बहुत के लिए नूरी वाटरफॉल और अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं उधर साइड पे, वहाँ पे साइड पे कहीं जाके बैठ के हम जो अपने साथ आम वगैरह ले आए हैं, जो फल ले लिए थे, वो अब जाके हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे खूब। और ये देखिए, ये है मेरे इर्द गिर्द तैरते हुए सितारे। हाँ फैजान, आम खाएगा? आम खाने से सो जाता है यहाँ पे। मैं हूँ वैद अफरीदी और मेरे साथ है शरीरुद्दीन, सफीर अहमद, अहमद हयात, सलमान खान, फैजान अहमद। सो नूरी हम आ गए हैं, राइडिंग हमने कर ली, स्विमिंग हमने कर लिया, रिफ्रेशमेंट भी हमने कर ली, और रिफ्रेशमेंट के बाद अपना कचरा अपने साथ वापस लेके जा रहे हैं। सो भाई दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हमने नूरी वाटरफॉल की हाइकिंग की, राइडिंग की, यहाँ पे आए, यहाँ पे खाया पिया, स्विमिंग की, खूब इंजॉय किया। और एट द एंड आप भी ऐसा ही करें, जब भी यहाँ पे आएँ तो काइंडली अपना कचरा अपने साथ उठा के वापस लेके जाएं, क्योंकि ये वतन हमारा है और हम हैं पासबाँ इसके। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो हम अपनी अगली जनरेशन को पाक, साफ़ और सुथरा पाकिस्तान देंगे, नहीं तो फिर आपको पता है कि उनको कैसे पाकिस्तान मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।